हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे और वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम आपके लिए सॉन्ग्स के और गज़ल्स के ट्यूटोरियल लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आती है कि उनकी फरमाइश आती है कि ये वाला सॉन्ग्स का ट्यूटोरियल हमको बना के दीजिए। तो उनका जो सॉन्ग का ट्यूटोरियल होता है, हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी उनको बना कर दें। तो अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट या फरमाइश ऐसी रही थी तो आप जाके हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको आपकी मर्ज़ी का जो भी ट्यूटोरियल आपने मांगा था वो मिल जाएगा। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, 3000 सब्सक्राइबर्स का एक हम लोगों का टारगेट है, तो उसको कंप्लीट करने में हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक बहुत बढ़िया गज़ल नुमा गीत है, या गीत नुमा गज़ल आप उसको कह सकते हैं, जगजीत सिंह जी की गाई हुई है। होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, डेफिनेटली आप सभी ने सुना होगा और उसी का आज मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल बनाकर देने जा रहा हूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये राग यमन पे आधारित है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्लासिकल टच दिया गया है। बहुत ही सिंपल तरीके से गीत की तरह से इस गज़ल को गाया गया है। बहुत सिंपल है, इसको सीखना बहुत आसान है, बहुत जल्दी आप लोग सीख भी जाएंगे। और मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि आपको इस तरीके से बताऊं कि आप लोग इसको बहुत जल्दी सीख जाएं। तो दोस्तों, ओरिजिनल स्केल ई से ये गज़ल गाई गई है। अगर आप ई से राग बनाते हैं, राग यमन अगर आप बनाएंगे, तो इसमें लगने वाले सुर जो हैं, यहाँ से देख लीजिए आप, ये हमारा सा रहेगा, लेकिन मैं आपको सुर बता देता हूँ। ये वाला सुर लगेगा, दूसरा काला, ये हमारा सा है। इस हिसाब से ये नी होगी, शुद्ध नी, सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, ठीक है। तीव्र मा लगेगा, ये हमारा पा रहेगा, और तीव्र मा इसमें लगता है क्योंकि ये कल्याण ठाट का राग है, तो कल्याण ठाट में ज़्यादातर जो है तीव्र मा का प्रयोग किया जाता है। तो ये पा रहेगा, ये धा, ये फिर से हमारी शुद्धनी, और ये सा, ये बनता है राग यमन के सुर। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह गज़ल कैसे निकलेगी, आपको वन फिंगर से मैं बताता जाऊँगा, तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले गज़ल और गीत के नोटेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू होगा। होंठों से यहाँ पे आके रुकना है। होंठों से छू लो तुम, ठीक है, पूरी लाइन बता देता हूँ। होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, ठीक है, यहाँ तक। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं, बहुत सिंपल है। होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, ठीक है। तो जब आप इसको गाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, ठीक है। और दूसरी लाइन भी ऐसे ही है, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। दोनों की कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम है, आप खुद से भी दूसरी लाइन को बजा सकते हैं। और ये कॉर्ड हमेशा आपने लेना है, ये आपको सुर दिखाई दे रहे होंगे, यही कॉर्ड है इसमें, यही एक ही कॉर्ड यूज़ होगा। इस कॉर्ड को हमेशा आपने लेना है जब भी आपने स्टे करना है। स्टे यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा। तो आगे इसका जो अंतरा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अंतरे सारे सेम हैं, एक अंतरा बता दूँगा, बाकी आप खुद से निकाल लेंगे। अंतरा भी यहीं से स्टार्ट होगा। अंतरे के बोल हैं, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, यहाँ से स्टार्ट होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ना उम्र की सीमा हो, कॉर्ड वही रहेगा।
उम्र की सीमा हो। ठीक है, तो मैं आपको सरगम से बताने की कोशिश करता हूँ। द द ग म म प म द प म ग म ग। ठीक है, न उम्र की सीमा हो। ठीक है, न जन्म का हो बंधन, न जन्म का हो बंधन। ठीक है, और दूसरी लाइन है वो भी ऐसी है, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे रुक जाना क्योंकि क्योंकि इसके बाद हमने फिर से अस्थाई वाली लाइन स्टार्ट करनी है। नई रीत चला कर तो इसके बाद दोस्तों फिर से वापस वही आ जाएगा, होठों से छू लो तुम, होठों से छू लो तुम मेरा गीत मर कर। यहाँ पे थोड़ा सा आप वेरिएशन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो कैसे होगा, होठों से छू लो। इसको आप करेंगे तो कैसा लगेगा, होठों से छू लो तुम, छू लो तुम, छू लो तुम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ट्यूटोरियल जो है कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। अपनी फरमाइश का कोई ट्यूटोरियल बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और दोस्तों जो टारगेट है हमारा 3000 सब्सक्राइबर का, तो उसको कंप्लीट करने में हमारी मदद कीजिए प्लीज़। और मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू सो मच।